Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do air from our environment, grade 7 CBSE. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी जो धरती है ये चारों तरफ से एक कह सकते हो कंबल से ढकी हुई है एयर के, जिसको हम कहते हैं एटमोसफियर. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. जितने भी प्राणी इस धरती पर रहते हैं वो ज्यादातर सब लोग अपनी जीवनी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए इस एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं. इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीद एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज. ये हमारे को जो ऑक्सीजन है या जो सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है वो प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ हमें जो सन की हार्मफुल रेज है उनसे भी बचाती है. विदाउट दिस द ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट. अगर बाई चांस ये हमारे पास इस तरह से एयर की चादर नहीं होती प्रोटेक्शन के लिए तो क्या होता कि जैसे ही सूरज की किरणें हम पे पड़ती हम लोग बिल्कुल सिक जाते गर्मी से, और साथ ही साथ अगर रात होती तो एकदम से ठंडे हो जाते. सो इट इज द मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल. इसी वजह से ये जो कहते हैं कि जो एयर है जिसका इसके जो थिकनेस है यही हमारे को जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करने में मदद करती है जिससे कि हम इस धरती पे रह सकें. कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. आप जानते हो कि जो सांस से जो भी हम हवा है जिससे हम सांस लेते हैं क्या ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसेस हैं जिससे पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज. और भी गैसेस होती हैं जिसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है या हाइड्रोजन, ये सब कम क्वांटिटी में पाई जाती है. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. अब इन गैसेस के अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी एयर में होते हैं. द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. अब ये जो पाई चार्ट दिया है इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में किस मात्रा में कितनी चीजें मौजूद हैं. नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. नाइट्रोजन सबसे ज्यादा गैस रहती है एयर के अंदर. व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट. जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ सांस खींचते हैं तो हम कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी अपने अंदर लेते हैं लंग्स में और फिर बाद में उसे बाहर छोड़ते हैं. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन ज्यादा जरूरत पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. और उनके अंदर जो है नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से तो जा नहीं सकती. बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. पर जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में रहते हैं या किसी प्लांट के रूट्स में रहते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं एयर से और फिर उसकी फॉर्म को चेंज करके उसी से प्लांट्स जो हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं. ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. अब ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी गैस है एयर के अंदर. ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ. हम जैसे सांस लेते हैं तो उससे हम जो है हम और जानवर दोनों जो है ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जब भी फोटोसिंथेसिस होता है उस टाइम पे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेंस कॉन्स्टेंट. ऐसे में जो ऑक्सीजन का कॉन्टेंट है एयर के अंदर वो बिल्कुल सेम बना रहता है. इफ यू कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब. पर अगर हम पेड़ काटते हैं तो उससे ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस. अब कार्बन डाइऑक्साइड भी एक दूसरी इम्पॉर्टेंट गैस है. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे अपने खाने को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद वो जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं. ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. हम क्या छोड़ते हैं या जानवर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. Amount of carbon dioxide released by the humans or animals seem to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. अब जितनी मात्रा में हम carbon dioxide चाहे हम हो या जानवर छोड़ते हैं उतनी ही amount में जो plants हैं उसको इस्तेमाल करते हैं तो जिससे एक perfect balance बना रहता है.
However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. पर अगर ये जो balance है ये बिगड़ भी सकता है अगर हम fuel जैसे उसको जलाते हैं, जैसे coal जला दिया या oil जला दिया, उससे ये balance बिगड़ भी सकता है. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. इसकी वजह से क्या होता है, जब हम कोल या ऑयल वगैरह जलाते हैं तो जैसे कहते हैं बिलियन टन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है. एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट. और रिजल्ट क्या होता है कि जितनी ज्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती जा रही जाती है उससे अर्थ के वेदर और क्लाइमेट में दोनों में फर्क आने लग जाता है. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 4 लेयर्स में डिवाइडेड है अगर हम अर्थ सरफेस से शुरू करते हैं. दीज आर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर. अब इसमें से कौन कौन से आते हैं, इसमें है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और फिर फाइनली आता है एक्सोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी मानी जाती है, ट्रोपोस्फीयर. इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर. इसकी एवरेज हाइट जो है लगभग 13 किलोमीटर है. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट देयर. इस लेयर में जो है हम उस हवा को महसूस करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर. इसी लेयर के अंदर जो है रेनफॉल भी होती है, फॉग भी होता है और यहाँ तक कि ओले जो पड़ते हैं या हेलस्टॉर्म होता है वो भी इसी के लेयर के अंदर होता है. फिर लेयर आती है स्ट्रेटोस्फीयर. अबव द ट्रोपोस्फीयर लाइज अ स्ट्रेटोस्फीयर. अब स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर लेयर है. इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर और ये लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक है. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन. अब ये वाली लेयर में कोई भी क्लाउड्स नहीं होते और ये बिल्कुल कोई इसको वेदर फिनोमिनन से मतलब नहीं होता. मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. और जिसकी वजह से इस लेयर में एरोप्लेन्स आराम से उड़ सकते हैं. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. So, एक सबसे important feature है stratosphere का वो ये है कि इसके अंदर ozone gas की layer होती है. We have just learned that how it protects us from the harmful effect of sun rays. और हमने ये देखा है अभी कि किस तरह से ozone की layer जो है हमें harmful sun rays से बचाती है. उसके बाद layer आती है mesosphere. This is the third layer of the atmosphere. अब ये जो है तीसरी layer है atmosphere की. It lies above the stratosphere. ये किसके ऊपर आती है, stratosphere के. It extends up to a height of 80 किलोमीटर. ये लगभग 80 किलोमीटर की हाइट तक है. Meteoroids burn up in this layer on entering from the space. जब भी कोई meteoroid जो है वो स्पेस से एंटर करता है तो वो इस लेयर में आकर बर्न हो जाता है. थर्मोस्फीयर. इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट. अब ये जो थर्मोस्फीयर लेयर है इसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी और तेजी से बढ़ता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है. आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर. इसका एक और पार्ट भी है जिसको हम बोलते हैं आयनोस्फीयर. इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर. ये लगभग 80 से 400 किलोमीटर के रेंज में मिलेगी. दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. इस लेयर की मदद से हम रेडियो ट्रांसमिशन करते हैं. इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रैवल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर. तो हमें एक तरह से जो रेडियो वेव्स जो हैं, जो कि अर्थ से रिफ्लेक्ट होते हैं और फिर दोबारा अर्थ पे आते हैं वो इसी लेयर से सुनाई देते हैं, यानी कि थर्मोस्फीयर जो लेयर है. एग्जोस्फीयर. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज नोन एज एग्जोस्फीयर. अब सबसे ऊपर जो लेयर होती है एटमोस्फियर की उसको हम एग्जोस्फीयर बोलते हैं. दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर. अब इस लेयर में हवा की मात्रा जो है बहुत पतली होती है. लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर. यहाँ पे जो है हीलियम और हाइड्रोजन जैसी जो हल्की गैसेस हैं वो जो है स्पेस में फ्लोट करती हैं. वेदर एंड क्लाइमेट. इज इट गोइंग टू बी रेन टुडे, विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे. आज क्या बारिश होगी या आज बिल्कुल खिली हुई धूप निकलेगी. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव हर्ड दिस फ्रॉम आवर एंग्शियस क्रिकेट फैंस स्पेक्युलेटिंग ऑन द फेट ऑफ अ वन डे मैच. कितनी बार हमने इस तरह के जो वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस सुने होंगे उन क्रिकेट फैंस से जो कि एक वनडे मैच देखने आते हैं. इफ यू इमेजिन अवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट फिडल विद इट्स कंट्रोल नॉब्स. अगर हम ये इमेजिन करते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो एक रेडियो है और हमारा माइंड जो है वो उसका स्पीकर है, तो वेदर जो है इसके जैसे कहना चाहिए वो चीज है जो इसके नॉब्स को कंट्रोल करता है. वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर. वेदर क्या है, जनरली हम हर घंटे
या हर दिन की कंडीशन जो है एटमॉस्फेयर की, इससे कैलकुलेट करते हैं। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मेक वन इरिटेबल। अगर बहुत गर्मी है या बहुत नमी है वेदर में तो हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं। अ प्लेजेंट ब्रीजी वेदर मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। अगर प्लेजेंट वेदर होता है, हवा चल रही होती है, तो हम खुशी होती है और हम फिर सोचते हैं कि चलो आज बाहर चले। हाउएवर द एवरेज वेदर कैन ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। अगर क्या कहते हैं वेदर देखा जाए तो वेदर जो है हर दिन जो है चेंज होता है ड्रामेटिकली। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। पर यही वेदर कंडीशन जो है अगर किसी प्लेस की काफी लंबे समय तक होती है तो फिर हम उसको बोलते हैं ये क्लाइमेट है इस प्लेस का। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव डेली वेदर फोरकास्ट। इससे आपको ये समझ में आ गया कि हमारे जो है डेली वेदर फोरकास्ट क्यों होते हैं। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। ये जो टेम्परेचर हम हर दिन महसूस करते हैं ये बेसिकली एटमोसफियर का ही टेम्परेचर है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। कितनी मात्रा में गर्मी है या कितनी मात्रा में ठंडा के हवा में, इसी को ही हम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। ये जो एटमोसफियर का चेंज होता है टेम्परेचर का, ये खाली दिन और रात में ही नहीं होता बल्कि ये हर मौसम में सीजन से लेकर या दूसरा सीजन आने तक ये चेंज होता है। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। जो गर्मियां होती हैं वो सर्दियों से कहीं ज्यादा गर्म होती हैं। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसुलेशन। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन पे इन्फ्लुएंस पड़ता है वो है इंसुलेशन। इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसुलेशन क्या है? एक तरह से हमारी अर्थ पे जो सोलर एनर्जी आ रही होती है उसे हम इंसुलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। और ये जो इंसुलेशन की मात्रा है ये इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ बढ़ते हैं तो ये कम होती चली जाती है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर। और इसी वजह से जो टेम्परेचर है वो वहां पर कम होता चला जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पोल्स जो है ज्यादातर स्नो से क्यों ढके रहते हैं। If the earth temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी और बहुत कम क्रॉप्स उगा पाएंगे। Temperature in cities is much higher than that of villages. और शहरों का तापमान कहीं ज्यादा होता है गांव के मुकाबले। The concrete and metal in buildings and the asphalt of roads gets heated up during the day. जो भी बिल्डिंग बनाने के लिए मेटल या कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है या जो रोड्स पे जो एस्फाल्ट डाला जाता है ये दिन के समय बहुत गर्म हो जाते हैं। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। पर यही जो हीट है ये रात में निकल जाती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द सिटी। और क्या होता है शहरों में ज्यादातर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं जो कि इस गर्म हवा को रोके रहती हैं और इसी वजह से शहरों में जो टेम्परेचर है वो ज्यादातर बढ़ा हुआ होता है।